घटना बेगूसराय जिला के अंतर्गत 11 वर्ष की लड़की को रेप करके हत्या कर दी गई, जिसकी लाश 11/4/2014 को मकई खेत में बरामद की गई। प्राथमिक विद्यालय में 8वीं कक्षा में पढ़ रही थी। इस घटना ने पूरे जनमानस को झकझोर दिया है। सबसे दुखद पहलू ये है कि वो एक बहुत ही दीनहीन परिवार की बच्ची थी। घटना ये है, स्कूल से गेल पढ़ के गेल गेल कहलक जाए दूगो लड़ा बिछा बीच के ना हमें गहूँ में तेल लैके दिलिये बाहू पिसवे आबे छियो माँ जोड़ के आबे छियो तो पिसवे दे वो ऐठा गहूँ काटे रहे गहूँ काटे रहे हम यहाँ गहूँ पर रहूँ आ तम जे छे से हमरा बेटी कोनी बीच के मकई में लैके इज्जत भी खराब करके रख के मार दिया। तो की सजा चाहे छे वो अपराधी के खिलाफ? यह फांसी के फांसी की हो काम करने वाले को फांसी दो फांसी दो फांसी दो करने वाले को फांसी दो फांसी दो फांसी दो। हम लोग पूरा ग्रामीण मिलकर इस लड़ाई को जारी रखे हुए हैं और जब तक हत्यारा को सजा नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग इस चरणबद्ध आंदोलन को जारी रखेंगे। गांव के छात्र छात्राएं रैली भी निकाले, गांव की महिला भी इसके बारे में रैली निकाले, लेकिन अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं और इसका कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जहां तक पुलिस का भूमिका है, पुलिस की इसमें जो सक्रियता है, वो सबसे दुखद पहलू ये है कि जब घटना की सूचना दी गई थी प्रशासन को कि बच्ची गायब हो गई है, तो उस समय थाना से पदाधिकारी आए तो थे लेकिन उन्होंने इस मामले को सीरियस नहीं समझा था। दो दिन के बाद एकाएक जब लाश मिलती है और तब उसके बाद पुलिस रातों रात लोगों को बहला फुसला करके लाश को लेकर के डायरेक्ट बेगूसराय पोस्टमार्टम कराने के नाम पर लेकर के चले गए। मैं चाहती हूँ कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तार की जाए और कठोर से कठोर सजा दी जाए और इस पे आप भी मेरा मदद कर सकते हैं। और यहाँ का एसपी हरप्रीत कौर का मोबाइल नंबर है 9431800111 पे कॉल करके हमारा मदद करें। हम इंदु जिला बेगूसराय से इंडिया अनहट के लिए।